इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम लघुत्तम समवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में शॉर्टकट में लॉसो बोलते हैं, लघुत्तम समवर्तक। और इसका एक रूल होता है, इसमें हम दो से भाग देते हैं जब कम से कम दो संख्या में, कम से कम दो संख्या में लगना चाहिए। दो से नहीं लगा तो तीन से नहीं लगा तो पाँच से, चार से नहीं देते। चार से इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर दो से भाग लग जाएगा तो चार से नहीं लगेगा। पाँच, उसके बाद पाँच के बाद सात से, फिर नौ से नहीं देते क्योंकि नौ से लगेगा तीन से भी लग जाता है, ग्यारह से। इसी प्रकार से सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग देते। तो अब दस है, सबसे पहले दो से भाग देते हैं। तो दस में दो से भाग देंगे तो पाँच दूना दस, बीस में दो से भाग देंगे दस दूना बीस, तीस में दो से भाग देंगे पंद्रह दूना तीस। अब आप बताइए इसमें दो से भाग सिर्फ दस में लगेगा, कम से कम दो गो संख्या में लगना चाहिए। तो चलिए दो से नहीं लग रहा है, तीन से लगाते हैं। तीन से तो सिर्फ पंद्रह में भाग लगेगा, तीन से सिर्फ पंद्रह में, कम से कम दो में लगना चाहिए। चलिए तीन से ही नहीं लगा, तो चार से तो लगाते नहीं है, पाँच से लगाएंगे। तो पाँच से तो लगेगा, पाँच इकाई पाँच, पाँच दूना दस और पाँच तिहाई पंद्रह। अब ये हो गया, जो बचा दो, ये पाँच बचा तो पाँच, एक बचा तो एक गुना दो और गुना तीन। देखिए गुना कर लीजिए, दो पंचे दस, दस इकाई दस, दस दूना बीस, बीस तिया साठ, साठ प्राप्त हो, यही हमारा लघुत्तम हो गया। अच्छा आपको एक और बात बताते हैं, ये साठ जो प्राप्त हुआ इसमें इससे तीनों से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, शेष एक भी नहीं बचेगा। अगर शेष बच गया तो ये लघुत्तम गलत है। दूसरा है, चलिए सबसे पहले दो से लगाते हैं। साठ में दो से भाग लगाएंगे तो तीस, अस्सी में दो से भाग लगाएंगे तो चालीस, एक सौ में दो से भाग लगाएंगे तो पचास, फिर दो से लग जाएगा, तीस में दो से भाग लगाएंगे पंद्रह, चालीस में दो से भाग लगाएंगे बीस, पचास में दो से भाग लगाएंगे पच्चीस। अब आपका बारी आता है दो से, तो एक ही पंद्रह बीस में ही लगेगा, तो दो से लगाना ही नहीं, कम से कम दो में लगना चाहिए। तीन से लगाएंगे, तीन से तो केवल पंद्रह में लगता है और किसी में नहीं, तो पाँच से, पाँच तिहाई पंद्रह, पाँच चौक बीस, पच्चे पच्चीस। लिख दीजिए आप, दो गुना पाँच, गुना तीन, गुना चार, गुना पाँच। अब देखिए गुना कर लेते हैं, दो दुना चार, चार पंचे बीस, बीस तिया साठ, और साठ, साठ चौक कितना होता है, सात चौक होता है दो सौ चालीस, और दो सौ चालीस पंचे बारह सौ। बारह सौ ये आपका हो गया आंसर। तो अब हमने इस वीडियो में लघुत्तम समवर्तक बनाना सीखा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।